अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टेलीप्राइम के इस अध्याय में आप सीखेंगे लेजर लेवल पर GST इनेबल करना और टैक्स रेट सेट करना, और GST लगाकर सर्विसेज के परचेस और सेल्स इनवॉइस बनाना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्टॉक ग्रुप पर GST इनेबल करना बताया था, और आज के वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग लेजर पर GST इनेबल करना बता रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम आपको स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम पर GST लगाना बता चुके हैं तो फिर यहाँ लेजर पर GST लगाना क्यों बता रहे हैं? आपको याद होगा कि जब हम स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप पर GST रेट सेट कर देते हैं तो परचेस और सेल्स के वाउचर बनाते समय GST अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, पर सर्विसेज में तो स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप दोनों ही नहीं होते हैं, तो फिर GST कहाँ सेट करेंगे? बस यही कारण है कि सर्विसेज के लेजर बनाते समय हम उन लेजर्स पर ही GST इनेबल करके टैक्स रेट सेट करते हैं। सर्विसेज कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कुरियर सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इत्यादि। इस वीडियो में हम आपको सर्विसेज के लेजर्स पर GST रेट सेट करना और उन लेजर्स के साथ काम करना उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। हमारा व्यापार अभी नया है और हम चाहते हैं लोग हमारे बिजनेस के बारे में जानें। इसके लिए हमने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्काई डिजिटल मार्केटिंग से बात की। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग माध्यम से आपके व्यापार के प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, उस पर होने वाला खर्च 60,000 रुपए होगा और उस पर 18% GST लगेगा। हमने ये डील फाइनल कर ली। उन्होंने एडवर्टाइजिंग का काम पूरा होने पर हमें उसका बिल दिया, जो कि इस प्रकार है। अब सवाल ये है कि इस सर्विस के बिल की एंट्री कौन से वाउचर में होगी? तो हम आपको बता दें, जब हम कोई सर्विस खरीदते हैं यानी परचेस करते हैं और उस पर GST देते हैं तो हमें इस सर्विस पर दिए गए GST की छूट मिलती है, यानी हमें इसकी ITC प्राप्त हो जाती है। सर्विस खरीदने की एंट्री हम परचेस वाउचर में करते हैं, जिससे ये एंट्री GSTR2 में, जो कि GST की परचेस रिपोर्ट है, वहां देखने को मिलती है। अब इसी तरह जब हम कोई सर्विस बेचते हैं यानी सेल करते हैं तो उस पर GST चार्ज करते हैं, तो सर्विस सेल करने की ये एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं, जिससे ये एंट्री GSTR1 में, जो कि GST की सेल्स रिपोर्ट है, वहां देखने को मिलती है। तो चलिए टैली में इस बिल की एंट्री कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर के लिए V प्रेस करें। अब परचेस वाउचर के लिए F9 प्रेस करें। हमारे सामने परचेस वाउचर आइटम इनवॉइस मोड में ओपन हो गया है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि सर्विस में कोई आइटम नहीं होता है, और जब आइटम ही नहीं है तो क्वांटिटी और रेट का कोई सवाल ही नहीं है। हम कंट्रोल और H प्रेस करके इस वाउचर को आइटम इनवॉइस मोड से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में चेंज कर लेते हैं। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालें, यहाँ सप्लायर के बिल की तारीख डालें। पार्टी अकाउंट नेम में हमें स्काई डिजिटल मार्केटिंग का लेजर सिलेक्ट करना है, जो कि बना हुआ नहीं है, तो पहले उसे बना लेते हैं।
पर्टिकुलर्स में हमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस का लेजर सिलेक्ट करना है। ये भी बना हुआ नहीं है तो इसे भी बना लेते हैं। नेम में डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस टाइप करेंगे, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए स्टेट्यूटरी डिटेल पर आ गए हैं। इज जीएसटी एप्लीकेबल के आगे एप्लीकेबल ही रहने दें, क्योंकि हम जो लेजर बना रहे हैं उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पर जाकर यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस टाइप करेंगे। यहां हमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस का एसएससी कोड 998361 टाइप करना है। ध्यान रखें एचएसएन गुड्स के लिए होता है और एसएससी कोड सर्विस के लिए होता है। इस नॉन जीएसटी गुड्स को नो रहने दें और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के आगे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। ध्यान रखें यदि आप इसकी जगह पर नेचर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में यहां से कुछ और सिलेक्ट कर लेंगे तो भविष्य में काम करने में दिक्कत आ सकती है। अब यहां टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% टाइप कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पर 18% टैक्स लगता है। अब इसे सेव कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में अभी तक हम गुड्स सिलेक्ट करते हुए आए थे, पर यहां हमें सर्विसेज सिलेक्ट करना है क्योंकि यह सर्विस का लेजर है। अब इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां हम इस लेजर के साथ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल और आई प्रेस करेंगे। अब यहां लेजर डिस्क्रिप्शन पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहां बिल के अनुसार डिस्क्रिप्शन टाइप कर लेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम अमाउंट पर आ गए हैं। यहां 60,000 टाइप कर रहे हैं। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए 60,000 पर 18% के हिसाब से सीजीएसटी 5,400 रुपए और एसजीएसटी 5,400 रुपए कैलकुलेट हो गया है। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें और नरेशन टाइप करें। नरेशन टाइप करके इसे सेव कर लेंगे। आइए अब इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ये देखिए हमने लेजर में जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन टाइप किया था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम वापस प्रिंट स्क्रीन पर जाकर सी प्रेस करेंगे और यहां टाइप करेंगे लेजर। देखिए यहां शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर ऑप्शन नो है। हम एंटर प्रेस करके इसे यस कर देते हैं और एस्केप की प्रेस करते हुए प्रिंट स्क्रीन पर चलते हैं और फिर से प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए लेजर में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन अब यहां पर दिखाई दे रहा है। आइए अब इस एंट्री का इफेक्ट हम जीएसटी रिपोर्ट में देख लेते हैं। उसके लिए ऑल्टर और जी कीज को प्रेस करेंगे। अब जीएसटी आर टू पर जाएं, पीरियड चेंज करें। अब यहां से बी टू बी इनवॉइसेस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए हमने जो सर्विस ली थी उसका अमाउंट यहां बी टू बी में दिखाई दे रहा है। अब एस्केप की प्रेस करते हुए हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। अभी आपने देखा कि हमने जो सर्विस ली थी उसकी परचेज वाउचर में एंट्री किस तरह की जाती है और उस पर जीएसटी कैसे लगाते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम जो सर्विस बेचते हैं उस पर जीएसटी कैसे लगाते हैं, यानी उसका सेल्स वाउचर किस तरह बनाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारा व्यापार एडवर्टाइजिंग के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। 2 जनवरी को हमारे पास एक ग्राहक आया और बोला कि उसे अपने कंप्यूटर पर कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवानी है। हमने कहा हो जाएगा और उसका चार्ज हमने उसे 5,000 रुपए बताया, जिस पर 5% जीएसटी एक्स्ट्रा रहेगा। कस्टमर इस बात से एग्री हो गया और कहा कि आप मुझे बिल दे दें, मैं उसका तुरंत ही कैश पेमेंट कर दूंगा। तो चलिए इसका बिल बना देते हैं।
सबसे पहले F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर ओपन कर लेते हैं। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लें। यहां पार्टी कैश पेमेंट कर रही है, इसलिए यहां पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। अब पार्टी डिटेल्स में हम उस कस्टमर का नाम टाइप करेंगे जिसे हम सर्विस दे रहे हैं। यहां उसका एड्रेस टाइप करेंगे। ये कस्टमर हमारी ही स्टेट का है, इसलिए स्टेट में मध्य प्रदेश ही रहने देंगे। यहां नीचे GST रजिस्ट्रेशन टाइप में हम कंज्यूमर सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर्टिकुलर में हमें इंस्टॉलेशन सर्विस का लेजर सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे बना लेते हैं। अंडर में हम इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम आपको तीन बातें समझाना चाहते हैं। पहली, जब हमने एडवर्टाइजिंग सर्विस परचेस की थी तो उसका लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनाया था, क्योंकि उस समय हमने पैसे दिए थे। पर यहां हम सर्विस बेच रहे हैं और हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए यहां हम अंडर में इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, टैली की इस कंपनी में हमारा मुख्य व्यवसाय प्रिंटर, मॉनिटर, मोबाइल, AC इत्यादि का है, इसलिए इंस्टॉलेशन सर्विस का ये लेजर हम इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बना रहे हैं। पर यदि हमारा मेन बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का ही होता तो ये लेजर हम डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बनाते, और ऐसी स्थिति में हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरों से यदि सर्विसेज खरीदते तो उनके लेजर भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनाते। तीसरी बात, यदि हम एक ही नाम की सर्विस खरीद और बेच रहे होते तो उनके लेजर्स अलग अलग बनाना होते और पहचान के लिए उनके पीछे सेल्स और परचेस लिख देते। जैसे कि हम कुरियर सर्विस खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो खरीदने के लेजर का नाम देते कुरियर सर्विस परचेस और इसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर में बनाते, और इसी तरह बेचने के लिए लेजर का नाम देते कुरियर सर्विस सेल्स और इसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर में बनाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस GST एप्लीकेबल के आगे एप्लीकेबल ही रहने दें। सेट ऑब्लिक ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करें। यहां पर पहले बताए अनुसार GST डिटेल्स दे दें। अब इसे सेव कर लें। यहां सर्विस सिलेक्ट करते हुए इस लेजर को भी एक्सेप्ट कर लें। हम वापस सेल्स वाउचर पर आ गए हैं। अब यहां हम इंस्टॉलेशन सर्विस का अमाउंट जो कि 5,000 रुपए है टाइप कर रहे हैं। इसके बाद हम CGST और SGST का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां नरेशन टाइप कर रहे हैं। अब इस एंट्री को सेव कर लेंगे और अब चलिए GSTR1 पर चलकर इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। B2C स्मॉल पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमने इंस्टॉलेशन सर्विस का जो सेल्स बिल बनाया है उसकी GST रिपोर्ट दिखाई दे रही है। अभी हमने सर्विस के परचेस और सेल की जो एंट्रीज की हैं, ये दोनों स्टेट के अंदर की हैं, इसलिए CGST और SGST सिलेक्ट किए थे। यदि हम अपने प्रदेश के बाहर से कोई सर्विस परचेज या सेल करेंगे तो हमको IGST सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह आपने देखा कि हम सर्विस के लिए किस तरह से लेजर पर GST रेट सेट करते हैं और किस तरह उनकी एंट्री परचेज और सेल्स वाउचर में करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको GST से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टैक्स रेट हायरार्की के बारे में बताएंगे। ध्यान रखें, GST पर काम करने वालों के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।